तो बूंदी में एक सड़क हादसे ने सबको हिलाकर रख दिया है। 6 लोगों की मौत के बाद अस्पताल में चीख पुकार मच गई। हादसे में 3 लोग घायल हुए जिनका इलाज जारी है। सभी लोग मध्य प्रदेश के देवास के निवासी हैं। इस अज्ञात वाहन ने गाड़ी को टक्कर मारी और जो वाहन है वो बजरी से भरा हुआ था। रॉन्ग साइड में कोटा की तरफ से यहाँ जा रहा था, तभी कोटा की तरफ जयपुर साइड से आ रही इको गाड़ी को सामने से टक्कर मारी गई और मौके से फरार हो गया। मौके पर इको गाड़ी के परखच्चे उड़ गए हैं। एनडीटीवी की टीम ने हादसे वाले जगह से ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, जहाँ हादसे वाले जगह पर खून से सनी सड़क और मृतकों के चप्पलें कपड़े दिखाई दिए हैं। कार के पार्ट सड़क पर बिखरे हुए थे। राजस्थान की बूंदी में एक बड़े सड़क हादसे ने सबको दहला दिया। 6 लोगों की मौत के बाद अस्पताल में चीख पुकार मच गई। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए जिनका इलाज जारी है। सभी लोग मध्य प्रदेश के देवास के निवासी हैं। जिस अज्ञात वाहन ने इनकी कार को टक्कर मारी वो वाहन बजरी से भरा हुआ था और रॉन्ग साइड में कोटा की तरफ जा रहा था, तभी कोटा की तरफ जयपुर साइड से आ रही इको कार को सामने से टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। मौके पर इको कार के परखच्चे उड़ गए। एनडीटीवी की टीम ने ग्राउंड रिपोर्टिंग की, जहां हादसे वाली जगह पर खून से सनी सड़क, मृतकों की चप्पलें कपड़े दिखाई दिए, कार के पार्ट्स सड़क पर बिखरे हुए थे। जिस जगह पर दुर्घटना हुई वहां पर मृतकों की चप्पलें पड़ी हुई है। सबसे दर्दनाक ये दृश्य आप देख रहे हैं, पूरी तरह से कांच के टुकड़े यहाँ पर देखेंगे आपको, और जो इको गाड़ी थी वो पूरी तरह से जो है उसके परखच्चे उड़ गए। आप देखेंगे यहाँ अभी भी जो है खून के निशान मौजूद है, यानी किस हिसाब से किस तरीके से वो हादसे का मंजर रहा होगा वो आप देख सकते हैं। जूते पड़े हुए हैं, चप्पलें पड़ी हुई है यहाँ पर, तो ये कहीं ना कहीं बड़ा दर्दनाक हादसा बूंदी में हुआ है। मैं आपको तस्वीर में दिखाऊँगा, ये जयपुर कोटा 4 लेन है। यहाँ तेज रफ्तार में जो है गाड़ियाँ निकल रही है, आपको तस्वीर में दिखाऊंगा। देखिए आप, ये एक बड़े टायर के निशान है यहाँ पर, ये देखिए आप लंबे बड़े बड़े यहाँ पर टायर के निशान हैं। ये टायर के निशान ऐसा लगता है कि किसी बड़ी गाड़ी के हैं, या तो ये डंपर के हैं या ये ट्रेलर के हैं। हमारे सूत्र बताते हैं जहाँ जब पुलिस इस घटना के समय यहाँ पर पहुँची तो लोगों ने उन्हें बताया कि ये बजरी से बड़ा डंपर था जो रॉन्ग साइड आ रहा था। ये जाने का रास्ता है लेकिन वो इस साइड से आ रहा था और इधर से इको कार आ रही थी। अचानक से जो है सामने जब लहराता हुआ डंपर या जो भी वाहन था अज्ञात, वो आया और उसने फेस टू फेस यानी सामने की टक्कर इको को मार दी। बूंदी पुलिस को बूंदी टनल से सुबह तड़के 4:40 पर हादसे की सूचना मिली। पुलिस के साथ मौके पर पहुंची एम्बुलेंस की मदद से लोगों को बूंदी अस्पताल पहुंचाया गया। 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। उधर सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक हनुमान प्रसाद मीना और ASP उमा शर्मा सहित कई अधिकारी अस्पताल पहुंचे। मृतकों की शिनाख्त के प्रयास किए गए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमा शर्मा ने हादसे को लेकर तब जानकारी दी। जो नेशनल हाईवे है कोटा से इंडोली की तरफ जा रहा है, वहाँ टनल को क्रॉस करने के बाद में पेट्रोल पंप के पास एक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें अज्ञात कोई वाहन है जिसने मारुति इको को टक्कर मारी है, जिसमें 6 कैजुअल्टी हुई हैं, 3 लोग उसमें घायल हैं। जो सारे घायल हैं वो मध्य प्रदेश के देवास जिले के निवासी हैं। क्रेन की मदद से सभी शवों को बाहर निकाला गया और बूंदी अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे में 3 लोग घायल हुए थे जो उस वक्त होश में नहीं थे। हादसे में गंभीर घायल देवास निवासी प्रदीप को कोटा अस्पताल रेफर किया गया। हिंडोली थाना अधिकारी पवन मीना ने बताया कि मध्य प्रदेश के देवास जिले से 14 सितंबर को 9 लोग इको कार में सवार होकर खाटू श्याम जी के दर्शन करने निकले थे, जो कोटा होते हुए बूंदी जिले से निकल रहे जयपुर नेशनल हाईवे 53 पर जा रहे थे। कार सवार सभी लोग अलग अलग इलाकों से थे। सभी लोग पुरुष थे जिनकी उम्र 20 से 40 वर्ष की बताई गई है। टनल के पास जयपुर वाले रोड पर एक दुर्घटना हुई है। उसमें एक तो इको वाहन था जो देवास की तरफ से आ रहा था, उसमें 9 व्यक्ति थे जिनमें 6 की मौके पर ही मृत्यु हो गई, 3 घायल हैं। इसको कोटा रेफर किया है। वहाँ पर टनल से थोड़ा आगे एक रॉन्ग साइड से अज्ञात वाहन आ रहा था, इनकी आपस में सामने की भिड़ंत तो ना निरीक्षण कर पाया गया। जैसे ही बूंदी पुलिस ने मृतकों की शिनाख्त की तो मृतकों की पहचान मध्य प्रदेश के देवास जिले के सातवास गाँव के रूप में हुई। बूंदी पुलिस ने
सातवास थाना प्रभारी आशीष राजपूत से बातचीत कर पूरे मामले की जानकारी दी और शिनाख्त करवाई। मध्य प्रदेश के सातवास थाना अधिकारी आशीष राजपूत ने बताया कि बूंदी पुलिस की ओर से सुबह 7 बजे हादसे की जानकारी उन्हें मिली। परिजनों को पूरे मामले की जानकारी दे दी गई और परिजनों को बूंदी रवाना करवाया गया। हादसे का शिकार एक मृतक के परिजन सोम चौहान ने बताया कि घटना से पूरे परिवार में, गांव में शोक की लहर है। कुछ लोग खाटू श्याम के दर्शन के लिए यहां से निकले थे, उसमें बेड़ा खाल से 7 लोग थे, एक पोखर खोद से था और एक ढासर से थे। ये एक ही समाज के व्यक्ति थे, सभी लोग दर्शन के लिए निकले थे। बूंदी से आज सुबह जानकारी प्राप्त हुई थी थाने से कि एक एक्सीडेंट में कुछ लोग घायल हैं, लेकिन बाद में जब स्पष्ट हुआ तो उसमें 6 लोगों की मृत्यु हो जाने की जानकारी प्राप्त हुई थी, जिसमें से 3 लोग घायल हैं। मेरे द्वारा मौके पर आकर जानकारी एकत्रित की जाकर वरिष्ठ अधिकारियों को प्रेषित की गई है। वर्तमान में उनके परिजनों को यहाँ से रवाना कर दिया गया है। हमारे गांव में बड़ी दुखद घटना हुई है, ऐसी जानकारी हमको लगी है। और हमारे जो भाई लोग, साथी लोग थे, वो खाटू श्याम 11 के उपलक्ष्य में गए थे और इतना बड़ा हादसा हुआ है, हमें अभी तक पता नहीं हुआ है, जानकारी नहीं लग पा रही है बरोबर। जयपुर फोरलेन पर जिस अज्ञात वाहन ने इको कार को टक्कर मारी, वो वाहन बजरी से भरा हुआ डंपर बताया जा रहा है। पुलिस ने फोरलेन पर लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है। बूंदी से एनडीटीवी के लिए सलीम अली की रिपोर्ट।